कांग्रेस के टिकट पर बेतिया से चुनाव मैदान में उतरे मदन मोहन तिवारी का बैकग्राउंड क्या है? मदन मोहन तिवारी अपनी राजनीतिक की शुरुआत कैसे की? मदन मोहन तिवारी अपने राजनीतिक जीवन में कहाँ कहाँ संघर्ष किया और कौन कौन से पद पर आसीन हुए? इन सब कारणों की तलाश हम अपने सहयोगी आशुतोष मिश्रा से करते हैं। आशुतोष जी, बिल्कुल पाठक जी, कल ही कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बिहार में 9 सीट जो मिली है 3 पर पहले ही कर दिया था, 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना बाकी था, उनमें से पटना साहिब छोड़कर बाकी सभी 5 सीटों पर अनाउंसमेंट हो गया है। बेतिया से यानी पश्चिमी चंपारण से मदन मोहन तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। जब से उनका नाम आया है सामने, तब से लोगों के जहन में ये सवाल कौंध रहा है कि आखिर मदन मोहन तिवारी कौन है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मदन मोहन तिवारी के बारे में, और खासतौर पर इलाके के लोग ही कुछ जानते हैं, तो ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जान रहे हैं। और कई लोगों ने पूछा भी हमसे, तो हमने इनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया और पता लगाया कि आखिर मदन मोहन तिवारी है कौन, जिनका मुकाबला बीजेपी के दिग्गज संजय जायसवाल से होना है। देखिए, सबसे पहले तो पश्चिमी चंपारण में वोट कब डाला जाएगा, तो वो समझ लीजिए कि 25 मई को वोट डाला जाएगा यहाँ पर जी। और अभी अप्रैल चल रहा है, करीब 1 महीने का वक्त दिया गया मदन मोहन तिवारी को क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए या जनता को रिझाने के लिए। और बेतिया लोकसभा सीट में माना जाता है कि ब्राह्मण मतदाता जो है वो निर्णायक रोल अदा करता है, और यही वजह है कि वहां से कभी रघुनाथ झा भी चुनाव जीत चुके हैं। मदन मोहन तिवारी के बारे में थोड़ा समझते हैं, तो इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री जो हुई थी ये बतौर मुखिया के रूप में हुई थी, और ये बेतिया नगर निगम के पिपरा पखड़ी के निवासी हैं, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो MA LLB है। और 2000 से लेकर के 2005 तक मदन मोहन तिवारी मुखिया चुने गए थे। 2005 में मुखिया का सीट की सीट जो है वो आरक्षित हो गई थी, इस कारण उन्होंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, और पंचायत समिति का चुनाव जीतने के बाद 2005 में मदन मोहन तिवारी प्रखंड प्रमुख भी बन गए। इसी के बाद उनका राजनीतिक उभार होने लगा और कांग्रेस से जुड़े हुए पहले से थे। बिहार विधानसभा का चुनाव 2015 में जब टिकट देने की बारी आई कांग्रेस की, तो इन्होंने भी दावेदारी की और इन्हीं के नाम पर मुहर लगी। उस समय RJD और कांग्रेस का गठबंधन हुआ करता था और JDU भी उसमें शामिल था, तो कुल मिलाकर के तीनों दलों का समर्थन था। ऐसे में बेतिया से विधानसभा सीट से उनको RJD कांग्रेस और JDU का संयुक्त रूप से उम्मीदवार बनाया गया, यानी महागठबंधन का। तो उन्होंने उस वक्त जो फिलहाल जो मंत्री है रेणु देवी, और उस समय उससे पहले वो मंत्री रह चुकी हैं, उनको हराया था उन्होंने। हालांकि जो मार्जिन था वो 2320 वोटों का था, 65,000 के आसपास वोट आए थे इनको, तो 2320 वोटों से इन्होंने रेणु देवी को तब शिकस्त दी थी 2015 में। हालांकि 2020 में जब इन्होंने चुनाव लड़ा, तब ये एक बार से जो रेणु देवी हैं उनसे चुनाव हार गए ये। उस समय JDU और BJP 7 चुनाव लड़ा था और 84,000 के आसपास रेणु देवी को वोट मिला था, और 64-65,000 के आसपास में वोट मिला था मदन मोहन तिवारी को। तब कांग्रेस और RJD का ही अलायंस हुआ करता था, तो सिटिंग विधायक थे इसलिए उनको टिकट दिया गया था। तो मदन मोहन तिवारी ने एक बार शिकस्त दी, लेकिन 2020 में वो चुनाव हार गए। उसके बाद से वो लगातार क्षेत्र में घूमते रहे, भ्रमण करते रहे, और कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करते रहे। बेहद साधारण परिवार से माने जाते हैं ये, बहुत ज्यादा न संपन्न है न सब कुछ है, मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं ये, तो इसलिए और क्षेत्र में इनकी पकड़ कही जाती है कि क्षेत्र में इनको लोग जानते हैं, समझते हैं, और एक कुशल राजनेता, साफ सुथरे छवि के नेता के तौर पर इनकी पहचान है, और शायद यही वजह है कि इनकी जो आइडेंटिटी है उसको भुनाने की कोशिश हो रही है और
संजय जायसवाल जैसे दिग्गज को हराने की। वैसे इस बार के चुनाव में आमतौर पर जैसा पहले होता था कि माई समीकरण अराजक का होता था और बाकी सवर्णों पर पकड़ होती थी कांग्रेस की, तो इन्हीं सब कॉम्बिनेशन को मिला करके इस बार टिकट दिया गया है। और खास तौर पर जो बीजेपी का वोट बैंक है, उम्मीदवार ज्यादातर उसी से लाए गए हैं, उसी वोट बैंक में से लाने की कोशिश हो रही है। जैसे कि आरजेडी ने अभय कुशवाहा हो, श्रवण कुशवाहा हो, इस तरीके से कुशवाहा पर ज्यादा दांव लगाया है, जो कि लव कुश कॉम्बिनेशन जो है वो नीतीश कुमार को वोट देता है। तो ऐसे में इधर से भी कांग्रेस ने एक ब्राह्मण चेहरा को उतारा है, ताकि जो बीजेपी का जो कोर वोटर है ब्राह्मण, उसमें सबसे एक मुश्त वोट देता है कहा जाता है कि बीजेपी को, तो उसमें सेंध लाने की कोशिश हुई है। और अगर इसमें कामयाब रहे तो परिणाम पश्चिमी चंपारण का इस बार चौंकाने वाले वही हो सकता है, जिस तरीके से 2015 में मदन मोहन तिवारी ने रेणु देवी को हरा करके चौंकाया था। रेणु देवी 5 बार की विधायक रह चुकी हैं बेतिया से, और इससे पहले नौतन विधानसभा सीट से वो चुनाव जीतती रही हैं। तो यही मदन मोहन तिवारी का बैकग्राउंड है, बेहद साधारण परिवार से आते हैं, मुखिया से सफर उन्होंने शुरू किया था, विधानसभा का चुनाव 2015 में जीता और अब 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 में हालांकि रेणु देवी से वो चुनाव हार चुके हैं, प्रखंड प्रमुख भी रह चुके हैं। पाठक जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद।